थैंक यू सर थैंक यू विश द सेम थैंक यू थक सर आप पतंग नहीं उड़ाते बेटा पतंग तो मैं बहुत उड़ाता हूँ बट आजकल ना लाइक लाइक आई डोंट हैव पतंग बैंगलोर <laughs> में पतंग यही नहीं होती बैंगलोर में पतंग नहीं मिलती और मैंने आई गेस गलती से ना एक लाइट चलाई नहीं है तो डू यू माइंड इफ आई पुट द लाइट ऑन

कि वो ऑर्गेनिज्म में सेल्स लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है है ना ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है ठेके? हमने वो देखा था देन सेकेंड चीज हमने क्या देखी थी हमने देखी थी क्या वो सिमेट्रिकल है क्या मैं उनको काट सकता हूं क्या मैं उनको काट सकती हूँ इन एनी प्लेन इन टू प्लेन है ना और दे आर ए सीमेट्रिकल वो देखा था देन वी सॉ कि भैया दे है थ्री जर्मिनल लेव

ऑन yes. yeah, इसलिए नहीं करा बिकॉज आई आई हैव नॉट ऑन माई लैपटॉप आई आई इंस्टॉल लुकिंग डाउन मैं कैमरा एंड टीच टूडे पूरा का पूरा कैमरा में पढ़ाएंगे देख के सर कैमरा में पढ़ाएंगे देख के नहीं कैमरा में देख के पढ़ाएंगे सर ठीक है <laughs> तो इसी बात पर आगे चलते हैं

सेकेंड क्वेश्चन नॉन कोडेट से आएगा एंड थर्ड यस गाइस कोडेट से आएगा नीट की बात करो टॉकिंग अबाउट नीट नीट में दीज आर थ्री थिंग्स ये yes किसमें आएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में और दे कैन आज फ्रॉम नॉन कोडेट है ना जो सिक्स सेवन फाइलम्स है और फाइनली जो कोडेट्स वाला फाइलम है दैट इज आवर फाइलम जो हमारा फैमिली है ठीक है तो तो जस्ट तीन क्वेश्चन ठीक है इसको लेके वी कीप पावर यू नो हेड ऑन द बीट और हेड ऑन द टेबल कि सर एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे सर ये याद नहीं हो रहा सर वो अरे याद मत करो छोड़ दो ठीक है छोड़ो नो नहीं मतलब हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कहाजल पजल का बट मतलब उसको बस ऐसे देख देख के यू कैन फिट इट समवेयर ठीक है तो, develop, me, that, here, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाफ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इज यू नो गेटिंग ओवर द

है ना जिस जिसमें कई स्पॉन्जेस होते हैं रेटा में क्या होता है क्या होता है, yes, जो रात को ग्लो करते हैं, बायोलिमिनेशन अपने आप ग्लो करते हैं वेरी गुड तो ये लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क पूछा था है ना टिश्यू मतलब फॉर्मिंग स्पॉन्जेस क्या है इट इज सेलुलर मतलब कलेक्शन ऑफ सेल्स विच आर थिंग

आगे तो कोट नो वन इज परफेक्ट दैट इज व्हाई पेंसिल्स हैव इरेजर्स मेरा दिल का पीस टूट जाता है <laughs> जब भी मैं देखता हूं तो याद दिस इज अ गुड कोट तो आई हैव वन कोट ऑफ माइंड जो मैंने आज सुबह सुना था कहीं पे ठीक है डू नॉट अरे लिखता नहीं हमारा पेन हुआ डू नॉट इज गाइस परस्यू सक्सेस

है ना क्लास इलेवंथ के लिए आ, आ, को पता चला की बस प्रो सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सिर्फ हैव फाउजेंड आर्ट्सिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी डाउट सॉल्विंग ऑल सब्जेक्ट विथ टेस्ट एंड असाइनमेंट ट्वेंटी टीचर्स एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम दू नो कम्फर्ट ऑफ यूम गाइज ट्रस्ट मी बेस्ट बेस्ट course available I used to give I I would be telling I would have told you many times I used to give Rs. 2000 rupees every month for one subject okay here you're getting all the subjects and this guys one month model you're getting 50% off because of Sankranti you know if you have some doubt you can just take up one month course you can take one month course I believe revision courses are going on आप पूरा रिवाइज रिवाई कर सकते हो और आप डेडिकेटेड हो तो एक मंथ का कोर्स लेके सारी रिकॉर्डिंग देख लेना ठीक यू यू कैन आल्सो आल्सो द द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑफ ऑल चैप्टर्स फील आर वीक यू समझ लो देखो आपने एक महीने का ले लिया डिस्काउंट बट इफ आर डेडिकेटेड इट ऑफ यू विल यूज ऑफ इट ठीक है। ऑन दिस नोट मूविंग फॉरवर्ड यू कैन यूज दिस को दिस इज अगर आपको दिख रहा है यू कैन सी यस इट इज यूजिबल गाइस कैन सी गाइस सेल्यूलर लेवल में कौन है बस पोरी फेरा सेल्यूलर लेवल पे कौन सा है बस पोरी

तुम एक बंदा चाहिए तुम झाड़ू लगाओ <laughs> तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगा <laughs> तो ऐसे ही हो जाएगा तो इसी बात पे हम आगे चलते हैं ठीक है तो खुद ही हम लाइट ऑन लाइट ऑफ कर देंगे वरना क्या पता लाइट ऑन लाइट ऑफ करने के चक्कर में झाड़ू लगाना पड़ जाए ठीक है तो आगे बात करते हैं है ना <laughs> एलेक्ट्रिशियन नहीं आए तो बस हैंडलिंगे है, नॉर्मल है तो आई गेस आई गेस आर अंडरस्टैंडिंग टू से तो सेलुलर लेवल ठीक है तो देख लो ये धीरे धीरे कॉम्प्लीकेटेड होता जा रहा है, है ना पहले ए था फिर रेडियल रेडियल में बस दो है रेटा और टीरोफोरा ठीक है सर अब देखो यार आपसे मगर मैं पूछूंगा यार पोरीफेरा का बताओ कैरेक्टर आप कहोगे सर ए है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इतना तो बता दोगे ना हाँ ठीक है है ना फिर फिर इसके पूछूंगा मैं जेलीफिश वाला सिलेंट्रेटा और नाइट एरिया इसको नाइट एरिया क्यों कहते हैं हम देखेंगे

इतनी गोली मारूंगा क्या द डायलॉग तो वो अंकल ने इनके साथ कर दिया बेचारों के साथ ठीक है इन्होंने ये बेचारे सलमान अंकल से मिल लिए। सलमान अंकल ने इनकी बॉडी में बहुत सारे होल्स कर दिए ठीक है इज द डायलॉग सलमान अंकल का हम तुम्हें इतना छेद करेंगे कि <laughs>

ठीक है इसको कॉमन नेम क्या कहते हैं है? बताया तो पता था ये ये बेटा मरीन होते हैं मरीन मतलब दे आर फाउंड इन द सॉल्ट वाटर सी के पास होते हैं सी वाले सॉल्ट वाटर में होते हैं ठीक है ए सीमेंट्री के लिए भी पता था आर प्रिमिटिव मल्टी सेलर मतलब बहुत ही ओल्ड टाइप के मल्टी कलेक्शन ऑफ सेल्स मल्टी सेलर है ना देन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, समझ आगे हैं। Then, अब बड़ा ये बहुत ही चीज़ है ठीक है अब देखो ध्यान से देखना मैं हूं। तो ना इनकी बॉडी में ना सही में सच्ची में सलमान अंकल ने बहुत सेहत कर दी है मैं तो ना, ये ऐसा कुछ दिखता है दे लुक समथिंग लाइक दिस नीचे है ना इट लुक समथिंग लाइक दिस आपको ऐसा क्यों बेटा देखो होता क्या है वॉटर एंटर्स फ्रॉम हेयर और ऐसे एग्जिट करता है तो वॉटर एंटर्स फ्रॉम हेयर और ऐसे एग्जिट करता है वॉटर एंटर्स यहां से होल्स में से और ऐसे एग्जिट करता है ठीक है आपको तो इसमें होता क्या है, फिर है? पे ना एक सेल्स होते हैं यहां पर सेल्स होते हैं ऐसे ऐसे ये ना फ्लास्क की तरह एक सेल्स होते हैं ठीक है ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखाने के लिए लाइक like दिस है ना सो देर आर सेल्स लाइक दिस ऑन द लाइनिंग दॉल्स

तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलर सेल और क्वैनोसाइड सेल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्यों क्योंकि बेटा क्या होता है जब वाटर आ रहा है वाटर 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 इज तो कमिंग विल ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स आल्सो अलोंग विद इट वो अपने साथ थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स लेके आता है ठीक है व्हेन इट इज ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद इट इट विल टेक इट है ना ये कॉलर सेल्स को अटैक ग्रैप कर लेते हैं दे विल ग्राप इट

इन द बॉडी और ये जो कैविटी है इसको क्या कहते हैं हम ये जो एम टी कैविटी है सील मतलब कैविटी होता है तो स्पॉन्जो सील स्पॉन्ज की कैविटी स्पॉन्जो सील अमृत की कैविटी अमृत सील ठीक <laughs> है बट स्पॉन्जो सील ठीक है वेरी बैड जोक बट दैट्स हाउ इट इज है ना इस गाइस तो ये ऑस्टियम छोटे, छोटे छोटे ये बड़ा वाला क्या है ऑस्क्यूलम छोटे छोटे ऑस्टियम बड़ा वाला इज ऑस्क्यूलम लेट अस मूव फॉरवर्ड सी है ना अगेन सी ये देखो यहां से पानी जाएगा यहां से बाहर आ जाएगा

जस वेरी गुड आई गेस सबको समझ गया आगे चलते थे बात पे हंड्रेड परसेंट गारंटी चाहिए बच्चों को हंड्रेड परसेंट गारंटी आप पेपर ही ना दें दे, पेपर ही लाके ना दें ये लो नीट का पेपर कर लो है अगेन

डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट हैविंग अ लारवा स्टेज मतलब डेवलपमेंट क्या होता है लार्वाइ देखो जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है ह्यूमन का जो बेबी होता है ह्यूमन की तरह ही होता है ठीक है ऐसा नहीं होता है उसकी पूंछ होती है और बड़ा होता है पूछ छोटी हो जाती है नो no. सिमिलरली अगर आप फ्रॉग का देखोगे जो फ्रॉग है

है ना और क्या होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्स होते हैं और बॉडी पे सलमान खान अंकल ने बहुत ज्यादा है, है पानी को अंदर लाता है और पानी ऊपर जाता है जिसकी वजह से फूड है ना वेस्ट मेटीरियल ऑक्सीजन एक्सेट्रा मेड अवेलेबल टू द सेल्स बहुत सच यही है ठीक है जैसे मरीन होते हैं

है। तो क्या जेली फिश अगर आपने सोच लिया है है ना अगर आपने जेली फिश वाला सोच लिया है है ना तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज उसमें टेन टैकल्स होते हैं है, है, तो है। टेन तो टैकल है टैकल्स मतलब हंटर टाइप मतलब वॉट शुड है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पॉन्जेस का क्या था इसका क्या है इस गाइस इसका होता है नाइडो ब्लास्ट सेल्स कौन सा सेल नाइडोब्लास्ट सेल्स ये इसका हथियार होता है ठीक है इसको नाइडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं इसको कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स मतलब स्टिंग करने वाले डंक मारने वाले सेल्स ठीक है स्टिंगिंग सेल्स किसके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं नाइट सिलंटेट तब इसको एरिया भी कहते हैं क्यों एरिया कहते हैं क्योंकि इनके पास

सेसाइल मतलब एक ही जगह बैठे रहने वाले और फ्री लिविंग ये दोनों तरह के होते हैं आजकल हम सब क्या बन गए हैं हम सब सेसाइल बन गए हैं पहले क्या थे हम लोग फ्री स्विमिंग थे कभी इधर भाग रहे होते थे कभी गोल गप्पे खाने जा रहे होते थे कभी हम यू नो पाव भाजी खाने जा रहे हैं आजकल क्या कर रहे हैं घर पर बैठे हुए हैं कहीं नहीं जाते हैं ठीक है <laughs> तो करो ना तो यार तो मतलब हम नहीं जाते बट दुनिया जा रही है दुनिया अभी भी गोल खा रही है पाव भाजी खा रही है हमें सब पता है ठीक है तो यार तो इसी तरह से हमारी जो जेली फिश भी है दो तरह की होती है कुछ मूव करती है कुछ मूव नहीं करती है ना मरीन एंडली मतलब, है ना उटा? पानी में रहती है फ्रेश वाटर भी हो सकती है बट ज्यादातर मरीन होती है गाइस देखो मरीन वाटर और फ्रेश वाटर में आपको फर्क पता होना चाहिए ठीक है मरीन मतलब सॉल्ट वाटर है ना और फ्रेश वाटर और मैंने आपको अगर याद है मैंने बताया था अगर आप सॉल्ट सॉल्टी पानी में रहने वाली मछली को फ्रेश वाटर वाली म, फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो क्या होगा वो मछली मोटी होके मर जाएगी <laughs> बाहर निकालोगे मर जाएगी हाथ लगाओगे डर जाएगी बाहर निकालोगे मर जाएगी ठीक है फिर वो भी गाना गाएगी क्या करूँ मैं मर जाऊँ मेरी कोई सॉल्टीनेस नहीं है सॉरी <laughs> तो आज बहुत सिली जोक्स हो रहा है बट इट्स ओके चलता है आज मकर संक्रांति है तो सिली जोक्स करेंगे हम तो मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस गाइस रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री मतलब यू कैन कट देम इनटू इक्वल हाफ्स इन ऑल द एक्सेस और एनी एक्सेस ठीक है यू कैन कट देम इन यस एनी एक्सेस मूविंग फॉरवर्ड दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना उनमें टिश्यूज होते हैं पोरीफेरा में क्या होते थे बस सेल्स होते थे मतलब सारे सेल्स मिलके कुछ कुछ बोलते थे बट कुछ करते नहीं थे <laughs> मतलब वही था वो वाले वा लोग जो बोलते बहुत कुछ है बट कुछ करते नहीं है कि आज हम ये ऐसा नहीं है मतलब आर 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 माय पॉइंट दे वर जस्ट कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑफ सेल्स सेल्स व्हाट दीस दीस व्हिच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन ठीक है इनमें टिश्यूज होते हैं ठीक है इसी बात पर आगे चलते हैं देन डिप्लोब्लास्टिक अगेन दे हैव टू लेयर्स इनमें क्या होता है आप देखो डो देयर आना शुरू हो गया है जैसे ही एसिमेट्री वाले में कोई लेयर ही नहीं होती थी ठीक है उसमें बस सेल्स होते हैं हम नीचे आए रेडियल बनने लगा तो क्या हो गया दो लेयर हो गए है, है ना अब हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे अब हम बाइलेटर सिमेट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन लेयर आ जाएंगे एकदम से ठीक है समझ रहे हो मतलब गाइस ट्राई टू रिलेट तो रिलेटेड ऐसे ऐसे पढ़ाई की तरह मत इसको समझो मतलब बड़ा बड़ा ब्रॉडली समझो ठीक है उसी तरफ से आगे चलते हैं तो मैंने बताया था ब्लास्ट सेल्स कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स नाइड्रोब्लास्ट सेल में क्या है

इसमें क्या आएगा इसमें से क्वेश्चन आएगा ठीक है ये इसका क्वेश्चन कहां से आएगा यहां से आएगा ठीक है मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है यस yes, uh, का कॉलर सेल्स और खोएनोसाइट सेल्स ठीक है ध्यान रखना आगे चलते इसी बात पे नाउ देखो इसी में हाइड्रा वगैरह भी आता है गाईसे. अब ना इसके ना दो फॉर्म्स होते हैं एक होता है मेड्यूसा एक होता है पॉलिप मेड्यूसा क्या होता है बेटा देखो ये होता है अम्ब्रेला वाला मेड्यूसा में यू है मेड्यूसा में यू है तो ये अम्ब्रेला वाले होते हैं सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल होते हैं पॉलिप क्या होता है मेड्यूसा में में यू है तो अम्ब्रेला वाला पॉलिप कुछ नहीं है तो पॉलिप में एल है तो ये ये सिलेंड्रिकल ठीक है ऐसा लॉजिक गंदा है बट यू वाला बहुत ही अच्छा है ठीक है तो इट इज ऑफ टू फॉर्म्स है ना यू वाला मतलब अम्ब्रेला शेप होता है तो उसको मेड्यूसा कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप होता है तो पॉलिप

वास्कुलर मतलब एक कैविटी है है ना जिसमें ओपनिंग है जिसको कहते हैं हम है हाइपोस्टोम है, है ये कौन सी ओपनिंग है हाइपो ओके डाइजेशन कैन बी एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रा स्पंजस में क्या था सेल के अंदर होता है यहां पे सेल के बाहर या सेल के अंदर ठीक है आगे सम ऑफ द राइटेरियन एग्जांपल कोरलस एंड आई हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गाइस कोरल जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था कौन से चैप्टर में पढ़ा था किसी को याद है हमने कोरल के बारे में पढ़ा था किसी चैप्टर में इफ यू रिमेंबर इट्स किसी को याद है नहीं श्योर हमें कहाँ याद है हैं हमें तो कुछ याद नहीं है यस गाइस हाँ मेरे बच्चे माई क्लासेस इज बेटा भाई भाई किसी को याद है हमने कहाँ पढ़ा था मर जाएगी बेटा सूरज इंगोले वाव वाव पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाता बेटा पॉपुलेशन मैंने बताया था ना कोरल कोरल क्या होता है कोरल इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कोरल होता है ना बेटा ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं ठीक है और आपने मालदीव्स वगैरह देखा है मालदीव्स वगैरह देखा है हैव अ वेरी रिच कोरल रीफ ये कोरल क्या, क्या करते हैं बेटा ये कोरल ना ये देखो मान लो ये आइलैंड है तो आसपास कोरल होगा ना तो इट विल प्रोटेक्ट द आइलैंड फ्रॉम सुनामी इट विल प्रोटेक्ट द आइलैंड फ्रॉम यू नो क्या कहते हैं साइक्लोन्स वगैरह ठीक है ये कोरल्स पता प्रोटेक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर अ अयोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब वहां पे फिशेस आके रहती हैं बहुत ज्यादा चीजें रहती है ठीक है बट अब इसमें इसके कोरल के बारे में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कोरल की डेथ हो रही है कोरल इज गेटिंग ब्लीच्ड कोरल क्या होता है बेसिकली जब ये नाइडोब्लास्ट मरते हैं ना ना है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता जाता है जब ये कोरल्स तो डिपॉजिट होता जाता है ठीक है आपने देखा वहां पे से आपने देखा है कोरल्स मैं समझा नहीं पा रहा मतलब समझा पा रहा हूँ आई गेस वो आपने देखा है मतलब ऐसे होल वाले रॉक टाइप स्ट्रक्चर होते हैं अगर आप कभी सी के पास गए होंगे तो आपने कहा रॉक रॉक से स्ट्रक्चर छेद होते हैं ठीक तो है कोरल इको सिस्टम अब एक सिस्टम में क्या क्या होता है प्रोड्यूसर होता है कंज्यूमर होता है तो एल्गा क्या होता है कोरल सिस्टम का प्रोड्यूसर होता है अब चेंजिंग टेम्परेचर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है जो हो है, वो कोरल को छोड़ के चले जाता है तो वहां पे कोई प्रोड्यूसर रहा नहीं तो क्या वो सिस्टम इकोसिस्टम सिस्टम एग्जिस्ट कर पाएगा नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग इज हैविंग अ बैड इंपैक्ट ऑन कोरल रीव बिकॉज ऑफ दैट बायोडाइवर्सिटी इज इन थ्रेट तो एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं भैया कोरल को बचा लो वरना क्या पता एकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाए ठीक है तो ऐसा हो सकता है है ना तो इसी बात पे आगे चलते हैं हम बच्चे कह रहे हैं सुना सुना तो लग रहा है <laughs> बट कोई बात नहीं है ना तो समझ आ रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस इसमें कौन कौन से होते से सेल्स 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 होते 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 हैं 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 और क्या होता है इनका स्केलेटन किसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का तो क्या होता है जब ये मरते हैं तो इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये बीच पे क्या होता है सेटल होता है बीच पे देखा है इस बीच पे बड़े बड़े पत्थर नहीं होते जिसमें छेद होते हैं होल वाले रॉक्स सो आर मेड फ्रॉम दिस फोरल है ना वेरी कैन बी ऑफ टू टाइप्स पॉलिप जिनका माउथ अप है मेड्यूसा जिसका माउथ डाउन है हमने देखा था मेड्यूसा मतलब यू शेप्ड पॉलिप मतलब सिलेंड्रिकल ठीक है ये देखा हमने आगे चलते हैं नाउ कई सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिप क्या होता है बेटा इट इज सिलेंड्रिकल फॉर्म है ना नॉन मोटाइल सेसाइल मतलब ज्यादा घूमता फिरता नहीं है मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप फ्री स्विमिंग मतलब घूमता फिरता आवारा बच्चा दिस इज आवारा बच्चा दिस इज पड़ाकू बच्चा पढ़ता रहता है ठीक है दिस इज ऑनिलिया और जेलीफिश एग्जाम्पल क्या है इसका हमारा हाइड्रा हाइड्रा पढ़ते हैं ना बचपन से हाइड्रा पढ़ते है हाइड्रा रिपोर्ड्यूस बाई क्या कहते हैं बडिंग है ना हाइड्रा कौन से फाइलम का है इट इज ऑफ सीलन टरेटा और नाइटेरिया वेरी गुड गाइस अब देखो बहुत ही अमेजिंग चीज बताऊंगा ठीक है इनकी ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है समथिंग ऑल एस ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ये बहुत ही अमेजिंग है ठीक है It is called as alteration of generation, भी देखेंगे, मतलब मतलब कुछ मतलब, आदि पड़ाकू बच्चा बनते हैं और बाकी की आदि लाइफ मेड्यूसा बनते हैं आवारा बच्चे ठीक है <laughs> कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है तो हमें बताना कमेंट बॉक्स में तो यस ऐसा तो होता है तो इस चीज को कहते कोई इस चीज को कहते हैं हम

मान लो ये मेड्यूसर है।, है ना, ना? मिलके यह बनाएंगे और बेटा सिलेंड्रिकल पॉलिप ये सिलेंड्रिकल पॉलिप क्या करेगा एज सेक्सुअली से बर्डिंग से मेड्यूसा बनाएगा समझ पा रहे हो मेरी बातों को मतलब से इमेजिन करो मैं पॉलिप हूं ठीक है ना? मैंने क्या करा बडिंग करी और एक

ओबेलिया कौन करता है एग्जाम्पल क्या है ओबेलिया करता है वेरी इंपॉर्टेंट गाइज एग्जाम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यस yes, समझ आया देख लेते हैं सर कोरल से आइलैंड बनते हैं क्या हाँ बेटा लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑल आर कोरल आइलैंड लक्षद्वीप मालदीव कोरल आइलैंड्स है है ना एग्जाम्पल भूल जाते बेटा डेफिनेटली ह्यूम हो तो भूलोगे ही बट द होल पॉइंट इज टू सी इट अगेन एंड अगेन द मोर यू सी इट द मोर यू विल लर्न इट और मोर यू विल रिमेंबर इट ओके <laughs> yes, बेटा, all good, बेटा सर. And same है. Yes, बेटा, है और दोनों एक दूसरे के मतलब आपका नाम जो यू you नो know, घर का नाम और बाहर का नाम है ना वैसे दे ओके वेरी गुड तो मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस आगे चलते हैं बागाम्पल wow. गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है फाइसेलिया इज कॉल्ड एज पॉर्चुगीज मैन ऑफ वॉर

तो फाइसेलिया, इज़ पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर अडाम सी, सी पेना बैठ के, के नहीं बेटा इसको जस्ट लिख लो ठीक है जस्ट और जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो नीट का है कुछ भी एक बार गो एन दिस गो मतलब, आप एनिमल किंगडम जब कभी ना कभी, कभी तो एग्जाम में आएगा ना है कोई भी रहे हो या नीट का टेस्ट दे रहे हो तो जस्ट इसको बस देख लेना अच्छा ठीक है फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर है ना पेन Pen, पेनाट्यूला है ना गोरगोनिया सी फैन मियांड्रीना ब्रेन कोरल ठीक है बस ये थोड़ा सा देख लेना ठीक है आगे चलते हैं टीनो फोर्स बहुत ही अमेजिंग है गाइस ये बहुत ही इजी है बच्चा सा है समझ आ गया पोरा सॉरी क्या था हमारा पोरी जिसमें सलमान अंकल ने छेद रहे थे कॉलर सेल्स होते हैं नाइडेरिया है ना जेलीफिश और हाइड्रा वाला जिसमें क्या होता है नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस जिसमें पॉलिप मेटाजेस मेड्यूसा को बनाता है और मेड्यूसा वापस पॉलिप को बनाता है मतलब एक ही इंडिविजुअल दोनों फॉर्म एग्जिबिट करता है एग्जाम्पल वॉफ ओबेलिया यस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आएगा ठीक है वेरी गुड देन टॉक को हियर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कोम जली जो टीनो फोन होते हैं उनको कहते हैं हम सी वॉलनेट और कोम जलीस कहते हैं क्या कहते हैं हम उनको सी वॉलनेट और कोम जलीस है ना दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब ये मरीन में ही होते हैं यहाँ वहां पे फ्रेश वाटर में नहीं होते गाइस वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लो सी वॉलनेट मतलब अखरोट ये कौन से हैं समुद्र के अखरोट हैं ठीक है समुद्र के अखरोट और कोम जलीस है, है ना

इट वॉट इज बायोलोमिटी टू एमेट लाइट ठीक है वेरी गुड एग्जाम्पल इज प्लूरो क्या है प्लूरोग्जाम्पल ऑफ आगे चलते हैं फोर डाइजेशन गाइस एक्स्ट्रा सेल्योर इंटरसेल्यूर उसका भी सेम था सेक्सेस आर नॉट सेपरेट सेक्सेस आर नॉट सेट रिपोडक्शन टेक्स प्लेस ऑनली बाई सेक्सुअल मीन देन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल

ठीक है बहुत ये ये बेटा होते हैं फ्लैट वर्म्स इसमें किसके बारे में बात करते हैं हम इसको कहते हैं फ्लैट वर्म्स वाले ठीक है अब मुझे एक बात बताओ अब आप तो, खुद से बताने की कोशिश करो कि इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे देखो पहले हमने पूरी फेरा देख लिया फिर रेडियल सिमेट्री वाले दो हटा दिए अब मुझे बताओ इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे आई विल राइट आई विल लुक एट द फोन एंड राइट टेल मी यस व्हाट विल बी देयर कैरेक्टर्स फ्लैट है फ्लैट वर्मलेट्रल ओकेटर ए सिलोमेट वेरी गुड दे आर ए सिलोमेट एक बात बताओ बेटा ए सिलोमेट क्यों कह रहे हैं हम इसको ए सिलोमेट क्यों कह रहे हैं क्या ऐसे इनके बीच में तीन लेयर हैं और दे आर ट्रिप्लो मतलब

Tania और फैसोला और लिवर फ्लू गाइस देखो इसके एग्जाम्पल याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है fasciola, planaria, ये बहुत ही ये एग्जाम में आते है फ्लैट है? डॉर्सो है मतलब बेटा बैक वेंट्रल मतलब फ्रंट तो ये आगे पीछे से दोनों से चपटे हैं डॉरसल साइड से भी वेंट साइड से भी चपटे हुए हैं ठीक है सर इंडो पैरासाइट ये करते हैं हमारे अंदर जाके पैरासाइट होते हैं मतलब कुछ होता बेटा एक्टो पैरासाइट मतलब जो जुए होती है आपके बॉडी में सर में इफ यू हैव लाइसिस दैट इज एक्टो लीच जो आपका खून चूसता है ठीक है दैट इज फ्रॉम आउटसाइड है ना दैट इज एक्टो एंडो मतलब अंदर से चूसना ठीक है खून चूसना तो दैट इज इट इज एंडो पैरासाइट सिमेट्री जैसे आप लोगों ने बताया था है ना देन ए एसीलोमेट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है किस पे आता है इस पॉइंट पे आता है क्योंकि देखो क्योंकि प्लैटी एलमेंटिस एस्किलमेंटिस कंफ्यूजिंग तो लगता है कंफ्यूज होना ही नहीं है पी सी सबसे पहले प्लैटी एलमेंटिस आता है ठीक है पी सी सी एस्किलमेंटिस निमेटोडा दोनों सेम ही होता है वो सूडो है ठीक है ये क्या है ये ए है ये ट्रिपल ब्लास्ट हो तभी हम सीलोम की बात करें जब तीन लेयर होंगे

बॉडी सरफेस कुछ क्या करते हैं अपनी बॉडी से ही आपके न्यूट्रिय मतलब इमेजिन करो मैं नहीं मतलब कोई <laughs> कोई है आपका वो ये मान लो ये लीवर फ्लू का अटैच करके उसके मतलब बॉडी से ही चूस लेगा आपका सारा न्यूट्रिएंट्स समझ रहे हो फ्रॉम द बॉडी से बाओ कितने टैलेंटेड है ठीक है स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन का बहुत आता है क्यों

नो बेटा दे आर पैरासाइट ना एंडो पैरासाइट आगे चलते हैं यस सेक्सेस आर नॉट सेपरेट फर्टिलाइजेशन पॉइंट्स ना याद, है। ये वाले थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट हो जाता है बट इसमें इस से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस ऑल्सो दीज पॉइंट लाइक सर ये तो हर किसी का अलग अलग है, है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही क्वेश्चन आता है हर किसी के मन में सर ये कैसे याद करें चलो बेसिक्स तो समझ आ गया ये कैसे याद करें तो वट आई वु जस्ट रीड इट जस्ट रीड थ्रू इट इसको रट्टा क्वेश्चन मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो कोई इस पर क्वेश्चन क्यों बनाएगा अगर कोई टीचर इस चीज पे क्वेश्चन बना रहा है ना तो इसका मतलब वो बहुत ही सेडिस्ट टीचर है मतलब मतलब ही और शी इज वेरी सेडिस्ट तो यू डोंट हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन ठीक है दट हाउ आई यू सू थिं अब बट वट आई वॉन्ट टू से जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिससे क्वेश्चन बन सकता है इमेजिन करो यू आर अ टीचर इमेजिन करो यूर अ टीचर विल यू मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ दीस पॉइंट मेक क्वेश्चन आउट ऑफ दीस पॉइंट नो मतलब यू कैन मेक बट यूलो यूक इट शो मेक शोर कि दे आर इन अजी टर्म आई डॉट वोट की इग्नोर आई एम सेंग स्ट्रेस ओवर इट ओके देन प्लेरिया प्रोसेस इज रीजनरेशन कैपेसिटी जो प्लेरिया है इट इज ऑल्सो टाइप ऑफिस इट प्रोसेस क्या रीजनरेट मतलब के कर दो और हर में से एक नया ऑर्गेनिज्म निकल के आएगा मतलब प्लेरिया ये प्लेनेरिया काट दो ईच पार्ट में से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बी फॉर्मड है ना एग्जाम्पल एस एप वॉर्म लिवर फ्लू

बुलेट ट्रेन बन गए है <laughs> हाँ बेटा बताए बाइलेटरल है एग्जैक्टली बाइलेटर देन ट्रिपलो ब्लास्टिक एग्जैक्टली ट्रिप्लो है है ना सूडोसिलोमेट कहा एक बच्चे ने ये थोड़ा सुनी थी सूडो सीलोमेट है सूडोसिलोमेट है हा वेरी गुड मतलब ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट सूडोसिलोमेट वाली बात थी

It became organ system level. Guys, see, I am trying to make establish connections ki why certain things are happening. जी. बहुत सारे बच्चे आ गए फिफ्टी फोर बच्चा लोग हैं फिफ्टी फोर बच्चा प्लीज लाइक video, सब्सक्राइब टू the एंड गाइज यस एट पी एम

वो फ्लैट से राँण राँण से राउंड राउंड बने फ्लैट नहीं बनता फ्लैट से अब वो, थोड़ा। वो नहीं बच्चे। जब कभी -कभी है, एक से बच्चे, मोट हो जाते है। जो अभी बाहुबली बन गया है कोई है तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है ऐसा किसी को जानते हो <laughs> एक हमारा पतला दुबला सा बच्चा था डांस करता घूमता था आज आजकल बाहुबली बन गया है है ना और सबको डराता फिरता है क्या कहते हो बच्चों तो ये ऐसा होता है ठीक है तो पतले बच्चे से मोटा बच्चा बनता है ठीक है मोटे बच्चे से पतला बनने वाले की कहानी बहुत कम होती है देर वेरी फ्यू केसेस जिसमें मोटा बच्चा पतला होता है पतला बच्चा जरूर मोटा होता है ठीक है तो <laughs> तो यार तुम अभिषेक सर को ऐसा क्यों कह रहे हो अभिषेक सर ऐसा नहीं है यार तुम तो बड़े खराब हो है से सर को ऐसा क्यों कह रहे हो तुम लोग है अपने आप से ही है <laughs> यस तो, <laughs> तो इसी बात पे आगे चलते हैं आप अभिषेक करेंगे तो इसी बात पे आगे चलते हैं तो हम कह कहते हैं टाउन बम होता है ठीक है फिर मैं आप लोगों को बुला लूंगा यार ये मैंने देखा है ठीक है आजकल बहुत वीडियोस बन रही है यार क्लिप्स कट कट के इस चैनल से है

अच्छा बनो अच्छा, बनो, अच्छा, बनो, अच्छा बनो. But नहीं है कैसे बने, मतलब, बने? ठीक है अच्छा बनो अच्छा बनाओ तो बस थोड़ी सी डेफिनेशन होती है तो अच्छा बनना इज लाइक दिस यू हैव टू डू चैरिटी मतलब यही होता कि कुछ ले मतलब बड़ा पैसन एक रुपए की टॉफी खरीद के दो ना किसी को भी तो दैट तो इज थिंग ठीक है और और मतलब मैं बोलता हूँ क्यों मतलब मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं करता हूँ क्योंकि मैं करता हूँ तो मैं को, आपको आपको बोल जाता हूँ कि आप आप भी करोगे फिर आई आई स्टिल रिमेंबर हमारे ना कुछ टीचर्स होते थे वो कभी कुछ बोलते थे ना वो कभी कभी ऐसा दिल पे टच कर जाती थी ना आपके साथ होता है कभी मतलब किसी टीचर ने आपको कुछ बहुत ही अच्छा बोला हो एंड मतलब आपको लगता है यार हाँ यार ये चीज़ करनी है मतलब होता है ना समटाइम्स दे से सर्टन थिंग्स विच स्टिक्स डीप इंटू योर हार्ट एंड यू ट्राई टू फॉलो इट पन विद मी है कुछ चीज़ होती थी कुछ टीचर्स जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ अगर वो मेरे बारे में कुछ अच्छा कहते थे ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था मतलब मुझे लगता था कि हाँ यार ऐसा करूंगा मैं करूँगी जब भी मेरे को मौका मिलेगा तो आई होप तो यार आई दिस वॉन्ट टू गिव यू सम होप सो यार देर इज एंड गाइज ट्रस्ट मी आई स्ट्रांगली बिलीव यू गाइज का आप आगे आओगे एंड एंड डेफिनेटली

and each one of you has got elon musk inside you each one of you have got mahatma gandhi inside you each one of you have got abdul kalam inside you theek okay? hai so we we will keep that up theek okay? hai at our levels अपने level pe up करेंगे ठीक है On that note आगे चलते हैं हमें लगा ज्ञान batna बहुत jaluli है तो इसी बात से ज्ञान की बातों के साथ आगे चलते हैं जैसा लोगों ने बोला बाई लिटल हाँ bilateral symmetry है यहाँ पे। है इलॉन मस्क बनना चाहती हैं पूर्वी भट्ट बहुत पैसा चाहिए यस

और ये नहीं कि बस बोल रहा हूँ आई रियली मीन इट है ना क्या ये मत बोलना कि है तो सबको बोलते रहते हैं बेटा ट्रस्ट मी सबको नहीं बोलते यू गाइज रियली एवरी वन इज सो स्पेशल एंड एवरी वन इज मेंट फॉर ग्रेटनेस ठीक है एंड आई रियली मीन इट वेन एवर आई से समथिंग है ना पर्सनली आई टेक्स्ट समटाइम्स है ना आपके चैट को मैं कभी कभी पर्सनली रिस्पॉन्ड करता हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है वैन एवर आई डू दैट गाइड आई गाइज आई रियली मीन इट आई रियली मीन इट फ्रॉम सेंटर ऑफ माई हार्ट बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट ठीक है तो ऑन दैट नोट आगे चलते हैं तो <laughs> तो क्यों हाँ, अच्छे नहीं है बेटा रिफत आप सबसे अच्छे हो ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको अब सबसे अच्छे अब बहुत ज्यादा अच्छे हो बस ठीक है वॉटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करवा दो बेटा जरूर करवाएंगे है ना जरूर करवाएंगे है ना बेटा और रिफत में चकामे हमारा रिफत हाई फाई कर दो जल्दी से वेरी गाड और मशकल दिखा दो थो थोड़े से ठीक <laughs> <laughs> है तो भाई तो या तो वही है अपने आप को यू नो देर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल टेल गुड टू यू आई हैव रियलाइज दिस है ना तो जब मैं बड़ा टीचर बनूंगा और बड़ा टीचर तो इफ आई आई एम ट्रेनिंग सम टीचर्स विल डेफिनेटली पुट दैट फॉरवर्ड यू नो कि स्टेल गुड टिल थिंग्स अवर टीचर्स तो मूविंग फॉरवर्ड बाद में करेंगे एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स मतलब इनका माउथ का फायरिंग्स तो मस्कुलर है ही और इनका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होना मतलब गाइस माउथ होना और एनस का होना मतलब माउथ से खाना जाए और पीछे से निकले ठीक है पहले क्या होता था माउथ से जाता तो, माउथ से निकलता था ठीक है <laughs>

फीमेल्स लंबी होती हैं अदर मेल्स है ना बट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है <laughs> आपको डायग्राम दे देंगे बोलेंगे इसमें फीमेल कौन है है ना इससे पूछेंगे इसमें फीमेल कौन है है ना आपको बोलना है ये जो छोटे अंकल है जो डरे हुए हैं ये मेल है यह है फीमेल ठीक है फीमेल इज लॉन्गर मेल ठीक है पढ़ा था याद है कि नहीं पूछा कि नहीं पूछा याद है कि नहीं किसी को ई बात याद है कि नहीं पढ़ा था एस कैरिया गाइस सी वेन यू स्टार्ट रिलेटिंग डिफरेंट चैप्टर ना आपको लगेगा वाह वाह क्या बात है का बात है कहां से कहा कनेक्ट होता है बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पाते जब आप कनेक्ट करोगे ना तो आपका ब्रेन खुलेगा मतलब ऐसा खुल जाएगा मतलब ऐसा खुल के मैप बन जाएगा आपको लगेगा वाह कितना बढ़िया है हमारा दिमाग कितना अच्छा दिमाग है हमारे हमारे एक स्मार्ट बच्चे ने पूछा है वाई फीमेल आर लॉन्गर देन मेल बेटा क्योंकि फीमेल आर बहुत डेंजरस तो मेल क्या करे मेल छोटा है भगवान ने बनाया है ठीक है तो ऐसा है छोटा बनाया ठीक है इसी बात पर आगे चलते हैं अब क्यों बनाया मुझे क्या पता अब नेक्स्ट आप पूछोगे सर आपकी पूछ क्यों नहीं है वाई वी डोंट हैव टेल्स अवर फ्रेंड मंकीज हैव टेल्स जबकि हम मंकीज के जैसे हरकतें करते हैं तो हमारी टेल क्यों नहीं है नहीं है तो नहीं है और कल को कोई बच्चा आगे पूछेगा सर बारी विंग्स क्यों नहीं है नहीं है तो नहीं है भगवान ने कहा नहीं देंगे इनको ठीक है तो भगवान ने नहीं दिया ये ये क्या बात है क्यों नहीं है मेरी तीन आंख क्यों नहीं है क्योंकि सुंदर नहीं लगोगे इमेजिन यू हैव थ्री आईज तो आपके लिए कॉमन होता फीमेलर होती और so है और मेल शॉर्टर होते हैं उनका कल्चर है राउंड वर्म का कल्चर है ठीक है तो उसको क्वेश्चन मत करा करो कि क्यों ऐसा है उनका कल्चर है तो है है ना <laughs> ये उनका कल्चर है राउंड वर्म वाह का कल्चर है राउंड वर्म वा की फैमिली में ऐसा ही होता है, है ना मेल वर्म्स को खाना नहीं खिलाया जाता है ना फीमेल वर्म्स को तो यस गाइस एरिया एरिया याद है एरिया कौन है ये एलिफेंटियासिस करता है याद था एरिया एलिफेंटियासिस करता है तो ये कौन से में आते हैं इनका सिलोम कैसा होता है इनका झूठा सिलोम सिलोम होता है. Cilom, है ना बच्चे cilom, और एक और एग्जांपल है और हुकुम गाइस प्लीज रिमेंबर द एट लीस्ट ऑफ प्लैटी हेलमिंथिस और इसका प्लाटेल का टेनिया

अब है ऋतिक के बच्चे एपिसोड थ्री नहीं फोर फाइव सिक्स भी होगा ठीक है तो आगे चलते हैं ऋतिक कर थ्री होगा तो होगा फोर भी होगा फाइव भी होगा सिक्स भी होगा ठीक है तो अरे नीतवा का सवाल करते हैं नीतवा का तो कभी जल्दी से देखो अब बच्चे कहते हैं कि सर हम क्या सॉल्व कर पाएंगे करके देखो कितना ईजी है तो सवाल आया था एग्जैक्टली आई कैन सी ऑल ऑफ यू गिवेना हा अच्छा अब ना मैं वन शॉर्ट लिखवाना बंद कर दूंगा तुम लोग बहुत मजाक उड़ाते हो मेरा बट कोई बात नहीं तो एक्टलीस एक्सैक्टलीस केस ऑफ पोरी वेदर स्पॉन्जेड सेलोड सेलिंगल्टरिंग्लैजेड सेल्स एंडमेंट आर दैरक्टरिस्टिक्सम बताओ क्या क्या था इंटरनल कैविटी फूड फिल्टरिंग फ्लैजेड सेल्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताओ फूड फिल्टरिंग फ्लैजलेटेड सेल्स फूड फिल्टरिंग भी है फ्लैजलेटेड भी हैं सेल्स भी हैं क्या है आंसर इसका यस आंसर इज फेरा याद है ना फूड फिल्टरिंग क्या मतलब देख रहे हो जो कॉलर सेल्स थे फ्लैजिला था ना इनका याद है ऐसी तो थे ना ये लोग फूड फिल्टरिंग मतलब पानी ऐसा था था यहां पे भी बना लो

ट्वेंटी थ्री लैक्स बस ओके वन हंड्रेड नाइनटीन लैक्स है मैं क्यों नाराज हुई फॉर वॉट इज आंसर फॉर दिस टेल मी एक्सैक्टली ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फेसिस ऑफ एन ऑर्गेनिजम है किसमें होता है एग्जाम्पल

क्योंकि ये होमवर्क करके आपको देना है गाइज प्लीज डूट राइट द होमवर्क इसको कमेंट बॉक्स में बताओ होमवर्क फॉरिंग ग्रुप प्रोड्यूस ओनली बाई सेक्सुअल मीन कौन बस सेक्सुअल रिपोर्डन से यस करता है

तो हम अपनी बात करते हैं देखा <laughs> तो गाइज दिस मतलब नहीं है कि अगर वो नहीं आएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं हम कोशिश पूरी करेंगे पढ़ने की ठीक है बट अगर नहीं हुआ तो हम बुरा नहीं मानेंगे ठीक है हम वैसे बच्चे हम कोशिश पूरी 100% परसेंट एफर्ट एफर्ट में कमी नहीं छोड़नी गाइज ठीक है बट बाद में रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं रहेंगे ठीक है तो फोकस करना जरूरी है वरना डंडे वंडे पड़ जाते हैं तो गाइज यस यू कैन गेट अ फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन प्रो सब्सक्रिप्शन अगर आपको एक्सपीरियंस करना है आई वुड टेल यू ट्रस्ट मी जस्ट कम ओवर हियर एक्सपीरियंस द टीचर्स दे विल डेफिनेटली बी अ हायर लेवल ऑफ यू नो एजुकेशन यू विल बी गेटिंग यू आर राइट नाउ एक्सपीरियंस मतलब अभी नहीं अभी जो एक्सपीरियंस तो बहुत हाई लेवल ही है मतलब जो आप नॉर्मली एक्सपीरियंस कर रहे होट एक्सट्रा फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट राइट नाउ एंड यस guys there's a celebration at 8:30 pm I do come and see us have like we'll have 10 15 minutes ka time and we will share our experiences and keep smiling and yes guys do not forget to like and subscribe to the channel and we have sessions everyday 5:30 and saturday at 8 pm 8 pm to watch, guys maths versus bio be hoga so do not forget to watch it like share and subscribe and keep smiling bye bye have a great day and take care love you all happy sakranti to all of you and may god bless you and may god bless everyone and let's 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 uh have a great year guys. Bye bye, have a great day. Take care. Love you all. Do let me know in the comment box of the it? and bye-bye. Have a great day.